विस्तर और उनके साथियों ने उन लोगों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का ये अंजाम विस्तर, मैं तुम्हें कानून के पिटारे में बंद करवा के ही रहूंगी। यही सारे आर्म्स है जो आतंकवादियों को सप्लाई करने हैं। सारे आर्म्स चेक कर लिए गए? यस सर, सारे आर्म्स से फायर किया गया है। मेरा नाम विश्वर नाथ, मैं मोहब्बत से मनी उगलता हूं, नफरत से जहर थूकता हूं, और नफरत मुझे झूठ से है। इस पिस्तल से गोली नहीं चलाई गई है। भैया जी, हमको एक बात ना बताइएगा, आपको यह कैसे पता चला कि यह पिस्तल एकदम कुंवारी है? किलावंत, जिस तरह हकीम लुकमान को एक एक जरी अपने बारे में बता दिया करती थी, उसी तरह एक एक हथियार अपने बारे में मुझे बता दिया करता है। मुझे तो यह भी मालूम है कि इस हथियार का पहला शिकार कौन होगा। कौन है वो बुड़बक? बिजदर साहब, हमने रवि को ठिकाने लगा दिया। सर, शांति ने खबर छापी है कि रवि के कातिल आप हैं। बॉस, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए, मैं अभी उसे मौत के घाट उतार देता हूं। मौत नहीं बब्बर, मौत नहीं, उसे जिंदगी दे दे। ऐसी जिंदगी दे कि वो आईने से डरने लगे, भीड़ से भागने लगे। दुनिया को बता दो कि जो कोई भी विश्वर का नाम नफरत से लेता है, उसका जिस्म ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी कार्य करती जाती है। क्या मोंटी, फिंटक में क्या? बिल्कुल फिंटक में। ए गुरु, जिसका इंतजार था वो आ रही है। स्टॉप इट। कौन हो तुम लोग? बदतमीज। स्टॉप इट आई सेड। हाथ मत लगा मुझे, छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कहती हूँ स्टॉप इट आई सेड, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। कोई है? कोई है? बचाओ मुझे, कोई है? छोड़ दो, आई सेड लीव मी। स्टॉप इट, बचाओ, कोई है? कोई है? बचाओ मुझे। Stop it! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, कोई है? Help! Someone help me! Stop it! I said stop it! Leave me alone! छोड़ दो मुझे, कोई है? Help! Help me! Stop it! Stop it! I said, help me! छोड़ दो मुझे! Hey! छोड़ दो मुझे! आने दो से यहाँ। अबे ओ चूजे, कौन है रे तू? जहर पीकर दुनिया को अमृत बांटने वाला शंकर, शंकर मैकेनिक। लेकिन तू हमारे बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है?
कौन लगती है तेरी? अब पता चला मैं इसका कौन लगता हूं। एक भाई के सामने अगर उसकी बहन को कोई आंख उठाकर देख ले तो भाई उसकी आंखों में तेजाब डाल देता है। तुम लोगों ने तो हाथ उठा लिया। कसम इस रिश्ते की, अब तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियां पहनाऊंगा। विषधर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। अगर तुम लोग विषधर के आदमी हो तो मेरा नाम शंकर है, जिसके आगे खतरनाक से खतरनाक सांप भी अपना फन चुका लेता है। भैया। बहन तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम शांति है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। समझ गया, इसका मतलब तुमने अभी तक सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। चलो पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट तो मैं लिखाऊंगी ही, मगर एक शर्त है, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे विषधर से डर लगता है। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल से तो मुझे भाई मिला है, वरना हर साल राखी के दिन मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बदकिस्मत समझती थी। वैसे मेरी भी कोई बहन नहीं है, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। आज से आप अकेले नहीं, आपकी बहन भी आपके साथ है। वैसे भैया आप रहते कहाँ हैं? नुक्कड़ पे, लक्ष्मी गैरेज। चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ता हूँ। हवलदार सीनियर ऑफिसर की तरह। बोलो क्या बात है? मुझे रिपोर्ट लिखानी है। क्या नाम है तुम्हारा? शांति। शांति, क्या रिपोर्ट लिखानी है? मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। तुम्हें किसी पे शक है? विषधर, विषधर नाथ, उसी के आदमियों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। यानी कि विषधर ने नहीं, उसके आदमियों ने? आप कैसे कह सकती हैं कि आपके साथ अटेम्प्ट टू रेप किया गया है? कोई गवाह, कोई सबूत? मैं ही गवाह हूं और मैं ही सबूत। सिर्फ तुम्हारे इस तरह कह देने से मैं विषधर के खिलाफ केस नहीं लिख सकता। इसका मतलब आप विषधर से डरते हैं? देखिए मैडम, रमन खत्री को किसी से खतरा नहीं है। हाँ दुनिया को मुझसे जरूर है। तो फिर केस लिखिए। देखिए इंस्पेक्टर खत्री, पेशे से मैं जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए अगर आप केस नहीं लिखेंगे तो कल के अखबार में मैं आपके बारे में लिख दूंगी। देखिए मैडम, अगर ये धमकी है तो एक बात आप भी सुन लीजिए, आपकी लिखावट कोई भगवान की लिखावट नहीं है जो मेरा मुकद्दर बदल दे। रही बात केस की, वो मैं लिख लेता हूं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को,
एक मैकेनिक ने तुम्हारे नट बोल्ट ढीले कर दिए, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहना दी। विजधर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने वार का खाली जाना नहीं। और फिर तुम लोग अपना फन कुचलवा कर आए हो, वो भी एक फालतू मैकेनिक से। वो लड़की कहां है? वो थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने। और तुमने लिख भी लिया? सर वो मजबूरी थी और ये फर्ज है। लड़की के जरिए लिखवाया गया उस केस का पन्ना जो मैं फाड़ के लाया हूं सिर्फ आपके लिए। उस लड़की की ये हिम्मत, मैं उस लड़की को खत्म कर दूंगा। सर मेरी मानिए तो मुर्गी पर तोप मत चले, वरना हम जैसे हथियार आपके कब काम आएंगे। ठीक है, फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी रही। बिल्कुल सर। सुनो सर, हम लोग अपना फर्ज भूल जाएं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। जिम्मेदारी नहीं, आदत कहो इसे आदत। अरे रुक जा, मेरा नंबर है। हमरा दिल है पान का पत्ता, ईमे लगाए चूना कत्था, सादा खाइबू या जर्दा, बता दे बलमवा। सादा खिला दो, जर्दा मीठा खिला दो, और पान नहीं तो पान की डंडी ही दे दो। इलो ए, चल लाइन में आना, देखता नहीं क्या डिस्टर्ब कर रहे है। ए बाबू, दादा दादागिरी नहीं है, पान खाना है तो कतार में आओ। हाँ कतार में। इस तरह लाइन लगवा कर पान बेच रही है या सिनेमा की टिकट? ए बाबू जबान संभाल के बात करो। हाँ ए, चल तू अपना पोस्टर संभाल पहले। चल गराज में, मैं तेरा पंक्चर ठीक करता हूँ। ये तो वाकई का मर्द है रे, पोस्टर दिखा के बेवकूफ नहीं बना सकते। बड़ा तीखा है रे। हाँ क्या? पैसा चाहिए मुझे, चल पैसा दे, चल निकाल पैसा। तेरी तो मेरे को दारू पीने का है, और दारू चाहिए मुझे। पैसा किधर रखा है बोल। पैसा पैसा नहीं है, झूठ बोलती है। नहीं है मेरे पास तेरे लिए शराब के पैसे। तेरी आवाज के लिए मैं अपने बच्ची को भूखा नहीं मार सकती। अच्छा, अरे लेकिन जब बच्चा ही नहीं रहेगा तब तो देगी ना। ठीक है, मैं अब इसे ही मार डालता हूँ। पागल हो गया। माचिस कहाँ है? सुभाष, माचिस कहाँ है? सुभाष ऐसे मत करो तुम। अभी थोड़ी देरी थी। छोड़ दो सुभाष। वो क्या रखी है? मेरे पैर पड़ी हो सुभाष। नजर रखी। ये लो माचिस और लगा दो आग। शंकर तुम भगवान हो ना तुम इसके। आजकल तुम्हारे जैसे शौहर अपनी बीवी को यही सौगात दे रहे हैं, तुम भी दे दो। तुम सिर्फ लोग या तो अपनी बीवी के कातिल बन जाते हैं या उसे बेच देते हैं। हाँ हूँ मैं कमजोर। लाट दे पैसा और ले जा रात भर के लिए। नहीं भैया, नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें मत मारो, शराब की लत में इन्हें इंसान से हैवान बना दिया, वरना मेरा सुभाष ऐसा नहीं था भैया। ये इसका पागलपन है जो ऐसे कर रहा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। याद रखना सुभाष,
शराब सिर्फ कलेजा नहीं, बीवी की इज्जत और बच्चे का भविष्य भी जला देती है। क्या कर रहे हो तुम? उस्ताद, मुन्ना खाना लेकर आया है। चल खाना लगा दे। हाँ बोल, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है, पर चाचा मैं काम करना चाहता हूँ। काम करेगा तू? क्या काम करेगा? कोई भी जिससे मुझे पैसे मिल जाएं। और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? अब मैं नहीं पढ़ूंगा। रही बात काम करने की, तो ये उम्र तेरी काम करने की नहीं है, काम सीखने की है, वरना पढ़ लिख कर भी तुम बेरोजगार रह जाओ। एक काम करो, स्कूल के बाद जो भी टाइम मिलेगा यहाँ आकर काम सीखा करो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। जाओ स्कूल जाओ। पर चाचा आज तो मेरी छुट्टी है, मैं आज से ही काम सीखूं? चल ठीक है। शंकर भैया आपका फोन। हेलो। अच्छा एड्रेस बताइए। ठीक है मैं आता हूं। हाय, ये कलकतिया पान एक बार अगर हाथ आ जाए ना तो ऐसी गिलौरी बनाऊंगी कि खाने के बाद जबान तो क्या सारी जवानी लाल हो जाएगी। ए बाबू तनिक पान तो खाते जाओ। क्यों, भीड़ खत्म हो गई? भीड़ से एक हीरा चुनना था, लगता है मिल गया। हीरा जहरीला होता है, चाटोगी तो मर जाओगी। अरे पहले हाथ तो आए, चाटना तो दूर की बात, मैं तो चबाऊंगी भी और गले के नीचे भी उतारूंगी, फिर भले जान जाए तो जाए। लगता है इसका ब्रेक फेल हो गया है। अरे बाबू मेरा तो पुर्जा पुर्जा हिला हुआ है। अरे ए बंगाले बाबू, तनिक हिया आवा हो, हमरी हाथ का बनवा तो खाइला।
पड़ तू है छोरी, रातों की नींदे मत खो तू अब संभल जा गोरी। एक नजर तो डाल धरती कहाँ है तेरा ध्यान राजा, खाली मेरा पान चला खाले मेरा पान राजा, खाली मेरा पान चला खाले मेरा पान। सखियां मिलाई है गोरी कवारी, चकले तुम्हें सुखो मीठी है सुपारी, सखियां मिलाई है गोरी कवारी, चकले तुम्हें सुखो मीठी है सुपारी। चिरनी जैसे उछल रही लगी है नस नस में सैया बरसा दे पानी, धीरे धीरे कर गई जादू मुझ पे तेरी नजरिया, करे दीवाना मुझको तेरी ये बाली उमरिया, अब तो मचल रहा है मनवा डोल रहा ईमान गोरी, दे दे तेरा पान छोरी दे दे तेरा पान राजा, खाली मेरा पान चला खाली मेरा पान गोरी, तेरा पान छोरी दे दे तेरा पान राजा, खाले मेरा पान चला खाले मेरा पान छोरी दे दे तेरा पान छोरी दे दे तेरा पान राजा, खाले मेरा पान चला खाले मेरा पान। शुद्ध जहर पीकर दुनिया को अमृत बांटने वाला शंकर, पेशे से मैकेनिक हूं, लक्ष्मी गैरेज का मालिक। ओ, तो आप ही हैं जिसे मेरी फोन पर बात हुई थी। जी। आइए मैं आपको गाड़ी दिखा देती हूं। मैं गाड़ी देख चुका हूं, वही ना जो नीचे खड़ी है। ओहो, वेरी इंटेलिजेंट। आपको कैसे पता चला कि मेरी वही गाड़ी खराब है, जबकि मेरे यहाँ तो कई गाड़ियां हैं। जिस तरह जमराज लाखों करोड़ों अरबों की भीड़ में यह जान जाता है कि किसकी आत्मा निकालनी है, उसी तरह शंकर दस क्या 10,000 गाड़ियों की भीड़ में यह जान जाता है कि किस में आत्मा डालनी है। आपकी गाड़ी ले जा रहा हूं, परसों ले जाइएगा, चलता हूं। जल्दी कर भाई, आज गाड़ी देनी है। अरे मुन्ना, मिठाई, पहले दिन की कमाई की मिठाई, चल हमें भी दे दे। नहीं चाचा, वो जल्दी घर जाना है वरना माँ गुस्सा करेगी। अरे गुस्सा करे या मारे, आज तो मिठाई खाएंगे, क्यों भाई? हाँ, शंकर भैया जरूर। चल दे दे। नहीं चाचा, चल दे। चाचा नहीं, चाचा प्लीज, चाचा नहीं। शराब, तूने शराब खरीदी है? तू भी अपने बाप की तरफ? चाचा मैंने अपने पापा के लिए खरीदी है ताकि वो मेरी माँ को ना मारे। चल चल अंगूठी दे दे। अंगूठी निकाल, मुझे दारू पीना है, अंगूठी दे। हाँ मैं, मुन्ना ने पहले दिन की कमाई से तुम्हारे लिए शराब खरीदी है, इसलिए कि तुम इसी शराब के लिए इसकी मां को मारते हो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम जुल्म कर रहे हो, जुल्म सुभाष। तुम्हारे जुल्म ने इन खिलौने खरीदने वाले हाथों को शराब खरीदने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचो, अगर इसने ज्यादा पैसा कमा लिया तो तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, बिहार बार में अच्छी शराब पीने के लिए भेज देगा। शंकर भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूं।
मुझे माफ कर दीजिए शंकर भैया, मुझे माफ कर। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मैं तुम्हें यहां शर्मिंदा करने आया हूं। मैं तो चाहता हूं इस घर से चिखने चिल्लाने की आवाजें नहीं बल्कि हंसी और कहकहों की आवाजें आए। ये लो बोतल, अपने हाथों से इसे तोड़ दो और कसम खाओ कि कभी नहीं पियोगे। इसी शराब की खातिर मैंने अपनी सरस्वती को मारा है। आपने मुन्ना की जिंदगी बर्बाद की है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो समझ लो भगवान ने उसे माफ कर दिया। सुनो सरस्वती, सरस्वती मुझे माफ कर दो, सरस्वती मुझे माफ कर दो। मुन्ना, मुन्ना। जगह पर है, फिर ये आदमी यहां क्यों आया था? मुझे जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हेलो, कौन? सर, मैं दीन सिंह बोल रहा हूं। हाँ बोलो, काम का क्या हुआ? काम तो हो गया सर। तो का क्या मतलब है? नहीं सर, थोड़ी बहुत परेशानी हो गई थी लेकिन काम पूरा हो गया। अरे भाई, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी तकलीफें आती रहती है। वेल डन, शांति। विक्रम सिंह रिपोर्टिंग सर। वेलकम इंस्पेक्टर विक्रम, वेलकम। भाई तुम जैसे पुलिस वाले की इस थाने को सख्त जरूरत थी। इतनी जल्दी भी क्या है, दो तीन रोज बाद ज्वाइन कर लेते। वर्दी जिसकी आदत और फर्ज जिसकी फितरत बन जाती है, फिर उसे उसकी ड्यूटी से दूर रहकर आराम कहां है सर। मुझे ड्यूटी आज से ही ज्वाइन करनी है। हाँ मुझे मालूम है भाई, तुम जैसे पुलिस वाले को तोहफे में गुलदस्ता नहीं, केस देना चाहिए। ये रहा शांति के घर का सर्च वारंट। मुखबिर ने मुझे फोन पर बताया कि ये ड्रग्स का धंधा करती है। हवलदार दीन सिंह तुम्हारे साथ जाएगा। सर। हाँ। यस इंस्पेक्टर विक्रम फ्रॉम लालबाग पुलिस स्टेशन, आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? मगर क्यों? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये रहा सर्च वारंट। दीन सिंह, यस। घर की तलाशी लो। यस सर। तुम भी जाओ। जी।
तुम लोग उधर देखो। करती क्या है आप? पत्रकार हूँ मैं। नाम से और काम करती है कुछ और? देखिए इंस्पेक्टर, मैं उनमें से नहीं हूँ जिनके दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और होता है। साहब, ये देखो साहब, ड्रग्स। What? ड्रग्स? और मेरे घर में? ऐसा हो ही नहीं सकता। It's impossible। देखिए इंस्पेक्टर, ये सब एक साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, शांति अपने देश और अपने असूल के खिलाफ ना ही काम कर सकती और ना ही सोच सकती है। आप क्या सोच सकती है या कर सकती है ये बताने की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ थाने चलिए, वहीं फैसला हो जाएगा। जरूर चलूंगी, लेकिन इंस्पेक्टर, जिस दिन से मैंने विजधर के खिलाफ पेपर में इंटरव्यू दिया है, उस दिन से मुझ पर हादसे होते जा रहे हैं। पहले तो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की गई, और जब वो नाकाम रहा, तब रात में कोई आदमी मेरे घर में घुस आया, न जाने वो किस नियत से आया होगा। और फिर आज अचानक आपको किसी ने खबर कर दी कि मेरे घर में ड्रग्स है। ये साजिश नहीं तो और क्या है इंस्पेक्टर, मुझे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर, अगर आपको लग रहा है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम यही है, तो मुझे मंजूर है। चलिए इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ थाने चलने के लिए तैयार हूँ। रात को जो आदमी आया था, उसने आपको मारने की कोशिश नहीं की? नहीं, हाँ उसके साथ कफल तो जरूर हुई थी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। जहाँ पे आपने उस आदमी को पकड़ा था, वो जगह कौन सी थी? यहीं पे। सिंह जी, कल रात को आप यहां आए थे? नहीं सर। तीन सिंह जी, सोच के बोलो, कल रात को आप यहां आए थे? नहीं सर। सच सच बता, तू कल रात यहां आया था या नहीं? तीन सिंह, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। सिंह बोलो, तुम किसके लिए काम करते थे? तीन सिंह यार, तीन सिंह का खून हो गया, किसने किया उसका कत्ल? अगर ये पता होता तो कातिल अब तक सलाखों के पीछे होता सर। लेकिन विक्रम, तीन सिंह तो तुम्हारे साथ गया था ना शांति के यहां छापा मारने। शांति कहां है? शांति तो अपने घर में है सर, लेकिन मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। और इस षड्यंत्र में दीन सिंह भी शामिल था। तुम्हें कैसे पता कि दीन सिंह ने उसके घर में ड्रग्स रखा था या वो षड्यंत्र में शामिल था? तुम कहीं उलझ तो नहीं रहे हो या तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो? बिल्कुल नहीं सर, विक्रम सिंह उलझता नहीं बल्कि सुलझाता है। ये रहा दीन सिंह का आई कार्ड जो मुझे शांति के घर से मिला है। इसका मतलब है कि दीन सिंह ने ही उसके घर में ड्रग्स रखा था। फिर भी विक्रम, तुम फौरन उस कातिल की तलाश करो, क्योंकि उसने एक आम आदमी का नहीं पुलिस वाले की हत्या की है। पुलिस वाले की हत्या तो बहुत पहले हो गई थी सर, आज तो सिर्फ दीन सिंह मरा है। क्या मतलब? सर, जिस दिन ईमान बिकता है उसी दिन पुलिस वाले की मौत हो जाती है। और न जाने दीन सिंह कब का बिक चुका था, मगर मैं दीन सिंह के कातिल का पता जरूर लगाऊंगा। ये
सुनो, तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो वहां काम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है, आइए बैठिए। चलिए। आइए मैडम बैठिए, तशरीफ रखिए। अरे क्या किया तुमने? मैडम के कपड़ों में दाग नहीं लग जाएगा? कहीं दाग ना लग जाए। चुप, गधे की तरह रेंक रहा है। आपका कितना बिल हुआ? 2000। अरे मैडम मैडम, जब तक मैं गाड़ी का ट्रायल नहीं ले लेता तब तक मैं पैसा नहीं लेता। आइए चलिए। ट्रायल ट्रायल। लड़की, वो भी इसके साथ, वो भी गाड़ी में? दैया रे दैया, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हाँ बच्चू बच्चू, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर देखती हूँ। लड़की तो क्या, उसकी परछाई भी कैसे पास आती है। हाँ वाली बेशरम। सॉरी मैडम, मैं गाड़ी का ब्रेक चेक कर रहा था। कोई बात नहीं, आपके इस ब्रेक लगाने की अंदाज ने तो मेरा ब्रेक फेल कर दिया है। लेकिन अब तो छोड़िए, बाद में आपका ब्रेक चेक कर लूंगा। धीरज रामकली धीरज, एक दिन ये जो शंकर है ना, तेरे चंदन जैसे बदन से भी ऐसे ही लिपटेगा और फिर होश में नहीं आएगा। हाँ, और वैसे भी मैं कौन से होश में आने दूंगी। स्टाइल तो देखो। हाँ हसले हसले। $2000। ये लो अपने पैसे। देख लूंगी। अरे वाह, गजब का माल। खई के पान, देखने वाले का पूरा हाल। चल गुल्लू, इसको पटा डाल। हाँ बाबूजी, कौन सा पान? दूतों का। ए बाबूजी, का चाहिए तो का? तू क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आईना वाईना देखते है क्या कभी तू? आईना काहे? अरे फिल्म लाइन का बड़ा बड़ा हीरो है ना, वो सब तेरे सामने नौकरानी लगती है, नौकरानी। हाँ सच्ची, देखा मैं तो ये हमेशा ही सोचती हूँ, मगर क्या करे, हमारी इसे किस्मत ही नहीं है। अरे तू काहे को अपनी किस्मत पे रोती, मैं तेरी किस्मत चमका हुआ ना, ना जाने कितनी लड़कियों की किस्मत चमकाया हूँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुल्लू मनमानी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर गुल्लू मनमानी। अरे दैया रे दैया, इतना बड़ा आदमी और वो भी हमारी नजर के सामने। हाँ तो ये जो फिल्म की बड़े बड़े हीरो ने ना, उन सबको मैं बनाया। हाँ? लेकिन एक बात बताओ, उन सबसे तू कहीं ज्यादा ग्लैमरस है। कौन से रस बाबूजी? अरे एक रस हो तो बताओ, तेरे अंदर तो रस ही रस है, रस ही रस है। बस इतना समझ ले कि एकदम सरस है तू। ये रहा मेरा कार्ड। हाँ? मेरे ऑफिस में शाम को आना। हाँ? वहाँ बताऊंगा सब रस। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि फिनांसर से मिलाऊंगा ना। हाँ? आएगी ना। हाँ? जरा संभाल के रखना मेरा कार्ड, खो मत देना। अरे काम हो गया यार, इधर जा रहा था, अच्छा हुआ इधर आ गया मैं। गुल्लू जी। अरे कमाल हो गया, ये तो आ गया यार, दरवाजा तो बंद कर। वेलकम 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 वेलकम। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था इसलिए। गुल्लू जी हम आ गए। अच्छा किया। हम कैसे लग रहे गुल्लू जी? कैसे बताओ, तुम कैसी लग रही हो? एक मिनट एक मिनट, हाथों दो हाथों दो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, कभी हेमा लगती हो तो कभी जूही लगती हो। ये अब मैं ये देखूंगा ये ड्रेस में तुम कैसी लगती हो। पहनो पहनो। हम ये पहने। हाँ? अच्छा
चलो सॉरी बेबी सारा कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ किसी दिन तमाचा पड़ेगा तो सुधरूंगा मैं देखो तो सही अरे सिद्धिया ए भाया मैं तने पिज्जा इंतजार के खातिर को नहीं दियो मारे काम के क्यों हो इधर आओ इधर आओ सिद्धिया आप थोड़ा सबर करो आप तो जानते हैं कि सबर का फल मीठा होता है कि नहीं है पर मैं सबर कितनी करूं भाया अरे जितना हो सकता है करो ना यार उसके बाद तो मीठा मीठा है आपको शुगर का बीमारी तो नहीं 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 शुगर का बीमारी नहीं मीठा मीठा है उधर जाके चाय पियो ना चाय में मेरे पिस्सों का क्या नहीं 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 मैं ऑर्डर दे तो पैसा तुम दे देना पिस्सा मैं दूंगा उधर जाके चाय पियो ना बड़ा बेसबर इंसान है यार गुल्लू जी हम अच्छे लग रहे हैं ना जकात क्या हुआ गुल्लू जी गुल्लू जी आपने बताया नहीं मैं कैसे लग रही हूँ अरे क्या बताऊं कैसे बताऊं मैं तो हीरत में पड़ गया हूं देख के अब तो मेरे को लगता है कि लेन लग जाएगी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तुम्हारी किस्मत तो चमकेगी चमकेगी साथ में मेरी किस्मत का भी दरवाजा खुल जाएगा लो अभी ये पेन लो जल्दी से पेन लो अच्छा है बहुत अच्छा है गुल्लू जी है? ये तो बहुत छोटा है, है? मैं ये नहीं पहन पाऊंगी अरे कैसी बात करो तुम समझती नहीं तुम अरे हीरे जैसा चमकता बदन जब तक पब्लिक नहीं देखेगी तुम हीरोइन कैसे बनोगी हैं जाओ जाओ पहन लो अरे समझा करो हैं बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी इसको भी पहन लो इसका जोड़ीदार है गुल्लू जी अरे तुम्हें हीरोइन बनना है कि नहीं है बनना है ना तो पहन लो जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ बहुत अच्छी लगोगी देखना अरे तुम हीरा है यार दूसरा समझता नहीं क्या क्या कितनी बार तुमको समझाया है ये इतनी भाग दौड़ इतनी मेहनत हम किसके वास्ते करें मेरे वास्ते तुम्हारे वास्ते ना इतना सारा कपड़ा पहना रहे थोड़ा कपड़ा तो पहना ना तू उसके बाद उतार लेना अभी ठीक है अभी नहीं है अभी तुम किधर खड़ा था मैं पीछे खड़ा उधर पीछे जाके खड़े रहो मैं चाय भिजवाता हूं पूरी भिजवाना जा जा हां जा 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 ये आदमी एक गधेड़ा है यार जी अब ये पहन लो गुल्लू जी सिर्फ 2 मिनट गुल्लू जी गुल्लू जी जी क्या सोचने लगे आप मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था ना क्या लगती हो साक्षात परी लगती हो और मैं तो कहता हूँ कि कलयुग की परी लगती हो तुम अपनी फिल्म लाइन की जो हीरो ना उन सबका मिक्सचर लगती हो तुम क्या हंसती हो अब तुम एक काम करो अंदर रूम में जाओ वो जो फाइनेंसर है ना उसको साइनिंग अमाउंट के साथ अंदर भेजता हूँ अभी फाइनेंसर कहाँ फाइनेंसर वो खड़ा खड़ा चाय पी रहा है उधर नहीं नहीं मेरा मतलब है कि घर से चाय पी के आएगा ना तुम अंदर जा जाओ 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 अच्छे से जाओ क्या लगती है यार ये भैया आ गए तुम मैं तो मेरा ही वेट कर रहा था मेरा वेट कर रहा थे जाओ जाओ शॉट रेडी ये एक कर लो एक कर ले चलो एक मिनट कुछ चेन तो उतार के दो चेन देनी पड़ेगी ये लो मैं एक कर लूं ठीक जाओ धीरे धीरे सारा सोना उतरवा लूंगा गधेड़ो कहीं का मने के की करना छोरी मने माफ करना चाह रही हो मने मना पछाने छ या वो बजा ले एक बार सेठ जी ये मेरी सर तो फटी चल हो गया हैं राम के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ ये हुआ चीन चेंज हो गया अभी चेंज पकड़ो ए ए ए राम गली दो कर इधर से इधर पकड़ो ये बात तो नहीं ना अरे रुको
रुक जा रुक जा, ए राम चली रुक जा, अरे रुक, छोड़, बेकार में हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के हैरान कर दिया है, चलो अभी चलो चलो चलो, अरे तुम लोगों को पीछे से धक्का मारो ना, मैं खींच नहीं सकता, छोड़ो, चल नाटक नहीं कर अभी, अरे धक्का मार, मेरे से खींचती नहीं, चल, अरे मेरे को नहीं, इसको मार, अरे कौन? मेरे को मारा वो, ए तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ए जाओ जाओ कुछ को धुलाई करो, जाओ मारो उसको, पैसे दिए कितने? 500 रुपए, चल निकाल, अब जाकर उसकी धुलाई कर, नहीं नहीं तो और तुम दोनों को 500-500 देने पड़ेंगे, है ना? नहीं क्या? नहीं अभी दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पैसे उसको दे दिए, मेरी धुलाई करो, मारो 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 ताले, कौन थे ये लोग और तुम कहां से आ रही थी? हम गुल्लू के ऑफिस गए थे, उसने हमसे कहा कि वो हमें हीरोइन बना देगा और हम उसके झांसे में आ गए। लगता है तुमने गुल्लू को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी। नहीं बाबू नहीं, ऐसा मत कहिए, एक औरत बिना घर परिवार के उस नाव की तरह होती है जिसका ना तो खेवैया होता है और ना ही पतवार, ना जाने कब मौज उसे बहा कर ले जाए। अब आप ही कहिए बाबू, अगर हम ऐसी वैसी लड़की होते तो क्या उसे डर के भागते? तो तुम इस दुनिया में अकेली हो? हाँ, पुजारी के बगैर लोग मंदिर से तो मूर्ति भी चुरा लेते हैं, तुम फिक्र मत करो, आज से ये शंकर तुम्हारे साथ है। बापू, अनोखा रूप तेरा उस पे ये श्रृंगार, रूप रंग दिखला के करती है शिकार, निताल है।
रहा है जब से मेरे होश उड़ गए हैं, देख तेरी चाल मेरे बारह बज गए हैं। कुछ न हो जाए दिल पे ईमान है, तेरे पीछे मैं हूँ, हाँ तेरे पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे बंगाल है, गाल तुम्हार कश्मीरी, कमर नैनीताल है। खूबसूरत तो बहुत ही हो तुम, लेकिन चंदन में खुशबू है कि ना इका पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। क्या मतलब? मतलब जरा बता भैया, यानी कि आप में ईमानदारी और वफादारी है या नहीं। किसी इंसान को अगर परखना हो तो उसे करीब रखना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि वो क्या है। तनिक सोच लो शुक्रिया, यहाँ बहुत टेंशनिया है। वो हमारा विद्धर भैया है ना, वो किसी को मौका तो देते नहीं ना है, मौत सी दे देते हैं। अब हमरी बात और है, हम आज तक कोई इलेक्शन नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें हम ही सेक्रेटरी थोड़ी बनना है, तुम्हें तो बिस्तर की बनना है। वहाँ बड़े बड़े सौदे होते हैं, कभी कभार तुम्हें उनकी खिदमत में भी हाजिर होना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, वेरी गुड। मंजिल को पाने के लिए पाँव को तो जख्मी करना ही पड़ेगा। आज तक मैं बाहर से हथियार मंगवा कर आप लोगों को सप्लाई करता था, जिसके वजह से आपको कभी कभी परेशानी भी हुई, इसलिए आप लोगों के खातिर मैंने खुद अब हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। आइए इसके कुछ नमूने आपके सामने पेश करूं। यह है गिरगिट। इस हथियार में आप कोई भी गोली यूज कर सकते हैं, जैसे कि 303 हो, 375 हो, या फिर 2.8 हो, या फिर 0.22 हो। आप इसे रॉकेट लॉन्चर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे भैया ये बंदूक नहीं ना है, ये तो कमाल का धमाल है। अरे खूब कहा खिलावन तुमने। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। जागा इंसान्स के लिए 200 पीसेस, संभाजी इंसान्स के लिए 500 पीसेस। ये है डंक, इसमें शोर कम और घाव गहरा होता है। इसे गोली नहीं बल्कि सुई निकलती है। आदमी को पता भी नहीं चलता, उसके जिस्म के पार हो जाती है, आदमी मर जाता है लेकिन उसको लगता है वो जिंदा है। ये तो वाकई खतरनाक है, बिच्छू की तरह। मेरे लिए 1000 पीस। यह है नाग, यह फन नहीं उठाता, डायरेक्ट वार करता है। इसकी गोली जिस्म के किसी भी हिस्से में लग जाए उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। ए? अरे वाह बापू, ये तो बहुत अच्छा किया यार। बाहर से जो भी हथियार आता है ना, ज्यादातर खराब निकलता है। अरे निशाना चूक जाता है, इन मौके में धोखा दे देते हैं। लेकिन इसका निशाना कभी नहीं चूकता, क्योंकि विषधर अपने लोगों का खास ख्याल रखता है। मोना, इन सबके ऑर्डर ले लो। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, अब मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको। मोना, लोग तो हाथ सांप के बीच में भी डालने से डरते हैं, लेकिन तूने तो उसके हलक में हाथ डाल दिया। ए चुकरिया, वो फिल्म हमको दे दे, समझी? फिल्म? हाँ फिल्म। वाह, कौन सी फिल्म? मेरे पास कोई फिल्म नहीं है।
तू नहीं तो तेरी लाश तो देगी ना, हैं? और सुन, ये गुलेल नहीं तमंचा है, समझी ना? बेस्तर, मैं तो तुझे रोनना चाहती थी, कुचलना चाहती थी, लेकिन अब लगता है मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। लेकिन कौन हो तुम? मैं उसी रवि की बहन हूँ जिसे तुम लोगों ने मार दिया था, जिसे तुम दरिंदों ने केजुल समझकर उतार कर फेंक दिया था। बिस्तर, मैं तुझे तो मारूंगी ही, इन सबको भी मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं ये फिल्म पुलिस के हवाले करूंगी ताकि तुम सब लोगों को मैं फांसी पर चढ़वा सकूं। कोई हिला मत। अरे तो पुलिस में जा रही, इसको रोको ना कोई यार। बच गई? शाम पकड़ो उसे। ए पकड़ो, जल्दी पकड़ो ना यार उसको। जाना। मैडम, मैडम, ये सब कैसे हो गया? शंकर, ये फिल्म मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इसमें विश्वर और उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो मेरे साथ साथ इस देश के भी दुश्मन हैं। इसे तुम किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देना। हेलो, एसीपी राठौड़ यार। जी, मेरा नाम शंकर है। मैं एक फिल्म आपके हवाले करना चाहता हूँ जिसमें विष्णर और उसके साथियों की काली करतूतों की सबूत हैं। गुड, वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हो तुम? जी, मैं लक्ष्मी गैरेज के पास से बोल रहा हूँ। एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। जी हाँ सर। आ जा शंकर, आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। सर, ये रही फिल्म। इसी फिल्म को हासिल करने के लिए मोना ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। सर, मुझे यकीन आप इन मुजरिमों को सजा जरूर देंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसी सजा दें कि विष्णु जैसे इंसान इस धरती पर दोबारा जन्म ना ले। गुड, वेरी गुड। ये फिल्म अपने कब्जे में लेकर तूने तो अपना फर्ज निभा लिया, अब मुझे अपना फर्ज निभाना है। ये आपने क्या किया सर? हमारे गांव में कहते हैं कि पेट में दर्द हो तो सर के दर्द की दवा नहीं दिया करते हैं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इसका मतलब तुम भी विषधर से मिले हुए हो। गुंडों का रखेल कभी कानून का रखवाला नहीं हो सकता। रुक जा शंकर, पकड़ लो इसे। खुद आरडीएक्स का धंधा करता है और दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाता है। यह झूठ है। झूठ और सच का फैसला कानून करेगा। तुम्हारी गाड़ी से आरडीएक्स मिला है। एक बात याद रखना, बगैर जुर्म की सजा इंसान को मुजरिम बनने पर मजबूर कर देती है। इसका फैसला अदालत करेगी। ले जाओ इसे। चल। जो मैं बोलता हूं शंकर, तुझे अपना जुर्म कबूल करना होगा। जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, उसे मैं कैसे कबूल कर लूं? तू नहीं बोलेगा तो मुझे उगलवाना आता है। क्या उगलवाएगा तू कि मैं आरडीएक्स सप्लाई करता हूं? मोना का खून मैंने किया है। अरे, मोना का कातिल तेरा विष्णु है, तू और तेरा कमिश्नर मुजरिम। लेकिन याद रखना, जुर्म जब हद से बढ़ जाता है ना तो मिट जाता है।
नहीं सुधरेगा ना तू, नहीं सुधरेगा। मैंने आपसे कहा ना, शंकर की जमानत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसकी जमानत? क्या किया है उसने? किया नहीं, करता आ रहा है। आरडीएक्स सप्लाई करता है वो, देशद्रोही है, आस्तीन का सांप है। मेरा बस चल तो मैं झूठ, ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। शंकर भैया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे वो तो देवता समान आदमी है, वो तो देशद्रोही हो ही नहीं सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी उन्हें होती है जो दूसरों पर यकीन करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने उसकी गाड़ी से आरडीएक्स बरामद किए हैं। अब ये सब मैं कैसे झूठ मान लूं? हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है कि मोना का खून भी उसी ने किया है। इंस्पेक्टर, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना भी झूठ हो सकता है, लेकिन जो महसूस किया जाता है ना, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। अरे जो आदमी दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है, वो अपने फायदे के लिए देश को कैसे बेच सकता है इंस्पेक्टर? मुझे तो लगता है कि मेरी तरह शंकर भैया के खिलाफ भी कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन शंकर से कानून की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की वजह तो भैया से मिलने के बाद ही पता चल सकती है, मगर दुश्मनी है जरूर, वरना भैया उस कमिश्नर से मिलने क्यों जाते? उन्होंने उसे मारने की कोशिश क्यों की? वो पागल नहीं है, सरफिरे नहीं है। अगर तुम्हारी बातें सच है तो विक्रम सिंह उस सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। इंस्पेक्टर, क्या मैं भैया से मिल सकती हूँ? नो सॉरी। शंकर, शंकर, हमें पता चल गया कि तुम बेकसूर हो। मैं तुम्हें आजाद करना है, तुम जा सकते हो। रमन खत्री, ये जख्म देखकर तूने शंकर के तांडव नृत्य का समा तो बांध दिया। अब ऐसा तांडव करूंगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। क्यों छोरे, अब तक तो पता चल गया होगा कि हमारे गांव में क्या कहते हैं। मैं गुल्लू, गुल्लू गुले, जानता है ना मेरे को? आप उन बब्बर बकरा, वो दलाल नहीं होता, लोगों को हलाल करता है। अबे ओ शंकरवा, हम तेरे को बोला था ना, आज तक हम कोई इलेक्शन नहीं आ रहा हूं, काय को लफड़ा लिया हमसे रे। रमन खत्री को किसी से खतरा नहीं होता है, दुनिया को उससे होता है। Ha 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 ha!
मर गया साला, हमसे पंगा लेगा। चलो तुम लोग चलो चलो चलो। भैया ये क्या हो गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता भैया, भैया भैया ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। डॉक्टर साहब, शंकर भैया ठीक है ना? आप घबराइए नहीं, शंकर खतरे से बाहर है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद तुम मिल लेना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे भैया, जश्न मनाने का मजा तो दो ही तो मौकों पे आता है ना, एक जब कोई ना पैदा होता है और दूसरा जब कोई ना मरता है। अरे नेताजी, हमारे गांव में कहते किसी के नहीं, अपनों के पैदा होने पे और दुश्मनों के मरने पे। अरे अरे सभी के ग्लास तो भर चुके हैं, अब इंतजार किस बात का? जरा देख तो बबर किसका फोन है, अपने दोस्त का या किसी दुश्मन का? हेलो, क्या शंकर जिंदा है? कहाँ है वो? बॉस, शंकर जिंदा है। तो क्या हुआ, मर जाएगा तो शराब पी ले? नहीं बॉस, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार डालता मैं शराब नहीं पीऊंगा। बस आपका ऑर्डर चाहिए। इजाजत है। साला मौत भागती नहीं बल्कि इंतजार करती है। आप उनका नाम बब्बर बकरा, वो दलाल नहीं होता, लोगों को हलाल करता है। अच्छा हुआ तेरा नाम बब्बर बकरा है, आज बकरी ईद है और मकसद की शुरुआत भी करनी है। वैसे तो तेरा हराम गोश्त कोई नहीं खाएगा,
मैं तुझे हलाल जरूर करूंगा। क्या किया तुमने? इंसाफ जो तुम्हारा कानून ना कर सका। ये इंसाफ नहीं, जुर्म है जुर्म। तुम कातिल हो गए हो और बनाने वाले तुम हो, तुम्हारा कानून है। जब जब धरती ने रावण को जन्म दिया है तो उसको मिटाने वाले राम को अवतार लेना पड़ा है। तुम राम नहीं, रावण हो। रावण सत्ययुग में रावण को मारने वाले को राम कहा जाता था। अगर कलियुग में रावण को मानने वाले को रावण कहा जाता है तो मैं हूं रावण। हां, मैं हूं आज का रावण। अरे यार, ये बब्बर अभी तक क्यों नहीं आया? सर, अपना बब्बर बब्बर शेर की तरह है, पहले अपने शिकार के साथ खेलता है, फिर उसे खत्म कर देता है। अरे बिल्कुल करेक्ट बोला तुम, पर मेरे को क्या लगता है ये सब सोबत का असर है। सोबत का मतलब सोबत और सोबत ज्यादा फर्क नहीं है, समझी ना? सही बात है। ये शंकर की लाश है ना? हाँ बबर, ये कैसे हो सकता है? हेलो, तोहफा कैसा लगा? कौन बोल रहा है? शंकर तेरा बाप। तुम लोगों के खिलाफ मेरी खूनी जंग बब्बर की मौत के साथ शुरू हो गई है। अब अपने चिता की लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दे। शट अप। मौत तो उसकी आती है जिसके पर निकल आते हैं। हाँ, तुमने पत्ता जरूर काटा है, लेकिन याद रखना, चाकू कितना भी तेज हो जाए वो पेड़ नहीं काट सकता। तू तो काटने की बात कर रहा है विष्टर, मैं तो तुझे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं रावण बन गया हूं, रावण। क्या बोलता है, रावण बन गया? इसका मतलब हम सबकी बलि चढ़ा दे? शट अप, शट अप, यू शट अप। क्या बोला? इतना नहीं, शट अप। मिस्टर भी पहाड़ है, पहाड़ जिससे तूफान भी टकरा कर लौट जाता है। तुम लोग अपने अपने आदमियों को लेकर उसे ढूंढ निकालो। कहां है वो? आखिर उन लोगों ने आपको बगावत करने पर मजबूर कर ही दिया ना। लेकिन भैया, वो तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। बागी मौत से नहीं डरता शांति, हार से डरता है। और जंग में हार उन लोगों की होगी जिन्होंने मुझे रावण बनने पर मजबूर किया है। शांति, मैं चलता हूँ। नहीं भैया, रुक जाइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आपके जख्म अभी तक भरे भी नहीं। इन जख्मों को भरना भी नहीं चाहिए शांति। जख्म भरता है तो बदले की आग ठंडी हो जाती है। उन लोगों की मौत के लिए इन जख्मों को ताजा रहना बहुत जरूरी है। शंकर, शंकर रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। शांति, शंकर यहाँ क्यों आया था? अपने लोगों के पास आने के लिए कोई वजह तो नहीं होती ना। शंकर कातिल हो चुका है और कातिल बिना मकसद के कहीं नहीं जाते। अपनी बहन के यहाँ भी नहीं? मुजरिम का रिश्ता सिर्फ जुर्म से होता है, किसी इंसान या इंसानियत से नहीं। तुम्हारी नजर में वो मुजरिम है, लेकिन मेरी नजर में वो मेरा भाई है। मैं तुम्हें नजरिया बदलने के लिए नहीं कहती, मगर प्लीज विक्रम, मुझे मजबूर तो मत करो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा,
लेकिन कातिल तो गुनहगार ही होता है, मगर उसे पनाह देने वाला भी मुजरिम होता है। तो कर लो गिरफ्तार मुझे, डाल दो सलाखों के पीछे। मगर विक्रम, मर्यादा और मोहब्बत, इन दोनों के बीच में मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती। और फिर मैं रिश्वत किसको करूं, शंकर भैया को या तुम्हें? थैंक गॉड, आज मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तो तुम मुझे खोना नहीं चाहती, है ना? ओ गॉड, ये मैं क्या बोल गई? वही जो तुम्हारे दिल में था, वरना आज तक मैं यही सोचता था कि मैं ही तुमसे प्यार करता हूं। बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगी। Love you, शांति। Love you। आज शंकर मेरे हाथ से नहीं बच सकता। क्या कह रहे हो भैया? आज राखी का त्योहार है, शंकर शांति से राखी बंधवाने जरूर आएगा, क्योंकि वो उसकी मुंह बोली बहन है। अरे तो रमन भाई उसको जल्दी से पकड़ो यार, नहीं तो वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझे ना? और मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि उसको मालूम है कि हम और पुलिस वाले उसके पीछे पड़े, फिर भी उसके बाद वो आएगा क्या? बेवकूफ लोग उसूल के पक्के और जज्बाती होते हैं, इसीलिए वो आएगा और जरूर आएगा। तुम लोग चीते की तरह मौके की तलाश में रहना, जाओ खत्री। आप यहां क्यों आए हैं? शंकर को गिरफ्तार करने। लेकिन वो तो यहां नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन वो यहां आएगा जरूर तुमसे राखी बंधवाने। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, जब आप जैसे लोग अपनी काबिलियत से किसी को पकड़ नहीं पाते तो रिश्तों का सहारा ले लेते हैं। खामोश, ज्यादा भाषण मत दे। साहब चारों तरफ पहरा लगा दिए। गुड, मैं अपने घर जा रहा हूं, जैसे ही शंकर आए उसे अरेस्ट करके या फिर गोली मारकर मुझे फोन कर दे। जी सर। हेलो, कौन? साहब मैं हवलदार पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ गोली मार दी? नहीं साहब, अभी तक नहीं आया, हम लोग थाने चले जाए? नहीं, तुम लोग वहीं रुको और जैसे वो आए उसे खत्म कर देना। ठीक है साहब। अभी तक नहीं आया? इंस्पेक्टर साहब, जब मेरे घर पे पैरा है तो आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है? वहाँ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है और यहाँ हम उसकी मौत की खबर का इंतजार कर रहे हैं, और फिर हमें जश्न भी तो मनाना है। जिंदा बचेगा तब ना। शंकर तुम यहाँ? भैया आप? राखी के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता नहीं है, बल्कि राखी की मर्यादा और बहन का प्यार उसे खींच लाता है। भाई और बहन के बीच तू एक दीवार बनने चला था, रौंद डालूंगा तुझे।
जानती हो ये अंगूठी किसने पहनाई? वो भैया इंस्पेक्टर विक्रम है ना, उसी ने पहनाई है। चलो। विषधर जी जिसे मरना था वो तो मर गया, और वैसे भी रमन खत्री तो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी था। था एक सिर्फ वर्दी से, लेकिन कर्म से तो वो मेरा आदमी था ना। शंकर ने खून तो एक पुलिस वाले का किया है, लेकिन ललकारा है उसने मुझे, विष्ठर को। अरे खिलावण, हार्ट तो इधर होता है। और क्या हुआ क्या? अरे भैया जी, हमारा बीपी ना एकदम हाई हो गया है। हम आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम आपका ना खास आदमी हूँ, अगर हम मर गया तो आपको ठीक लगेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए आप तो जानते हैं आज तक हम कोई इलेक्शन नहीं हारा हूँ, लेकिन अगर आपने शंकर को मरवा नहीं ना डाला तो हमारा तो हार्ट फेल हो जाएगा और हम इलेक्शन क्या जिंदगी से हार जाऊंगा। शराब फंग शेरों की झुंड में रहकर गिदड़ जैसे बातें करता है। जाओ जाकर शंकर का शिकार करो, मुझे उसकी लाश चाहिए, लाश। शंकर बहुत भागने की कोशिश कर ली तूने, मगर आज तू कानून से नहीं बच सकता। गोली मत चलाना। सुनो, तुमने ही कहा था ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इसलिए कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि हाथ आए हुए मुजरिम को जाने दिया जाए। तुम तो यही सोच रहे होंगे ना कि तुमने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। ये राखी देख रहे हो, इसे शांति ने बांधी है, जिसके तुम होने वाले पति हो। हर बहन के सुहाग की रक्षा करना हर भाई का धर्म होता है, और देश को देशद्रोहियों से बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब कर्तव्य निभाऊंगा। कौन हो सकता है? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम ठीक हो ना? एकदम ठीक हूं। क्यों? नहीं, आजकल वैसे भी तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूं। परेशान होने की कोई बात नहीं है रामकली, शुरू शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, फिर वो खेल बन जाता है, जैसे मैं खेलने लगा हूं मौत का खेल। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। तुम खाना नहीं खाओगे? मैं खा कर आया हूं, तुम खा लो। ठीक है। सोच रही थी कि आप आज आप यहीं पे सोने वाले हैं। क्यों, मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वैसे आपको तो यहीं सोना पड़ेगा ना, बाहर तो आपको पुलिस और गुंडे ढूंढ रहे होंगे। क्या करूं, एक काम करती हूँ, मैं बाहर सो जाती हूँ। मुझसे डर लगता है, अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं ही बाहर चला जाता हूँ। नहीं जी, नहीं जी, मेरे कहने का मतलब है कि आपको तो यही सोना चाहिए ना, मैं बाहर सो जाती हूँ। नहीं रामकली, बाहर बहुत ठंड है, तुम यही सो जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बाहर चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं यही सो जाती हूँ। लेकिन ना एक बात है। क्या बात है? वो क्या है ना, मेरी नानी कहा करती थी शादी से पहले ना लड़के और लड़की को एक साथ नहीं सोना चाहिए, लेकिन तुम कहोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी।
लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, करोगे ना? वैसे भी तुम मुझे आराम के लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ तुमसे शादी भी करूंगा, मगर मेरा मकसद पूरा हो जाने के बाद, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा मकसद क्या है। आज की रात का कि पहले का? रह गई ना तू एड़ी की एड़ी, चल। ना बाबा ना, मेरे गांव में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, वहां तो कोई किसी को छू भी लेना तो चाकू छुरियां चल जाती है। हाँ ऐसी बात है तो ये रहा चाकू, अगर मैं उस तरफ आ गया तो तू मुझे चाकू मार देना। मैं सच कह रही हूँ, मैं चाकू मार दूंगी। हाँ मेरी कसम मार देना, लेकिन अगर तू इस तरफ आ गई तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल अभी लेट जा। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो इसे कसम भी दे दी है, अब तो रामकली मुझे नहीं छोड़ेगी। शंकर अब यही बेहतर है, जान बचाकर भाग यहां से। अरे मैं तो अपनी जगह पर हूं, इसका मतलब ये मेरे इलाके में आ गई है। ए रामकली, ए रामकली उठ उठ रामकली। क्या तुम यहां कर दी ना गड़बड़, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई मैं तो। नानी ए चुप, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे। मैं तुम्हारे बिस्तर में नहीं, तुम मेरे बिस्तर में आ गई हो, देखो। नानी मैं खुद ही, तुमने कुछ या नहीं है मगर छोड़ूंगा भी नहीं, शर्त याद है ना? क्या कर रहे हो, खिड़कियां तो बंद कर लो। अरे देखने दे।
कर डाले हंगामा मिलके मैं और तू तक तक 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 तू खिड़की खुले या बंद रहे प्यार हमारा बुलंद रहे खिड़की खुले या बंद रहे प्यार हमारा बुलंद रहे यारे गुल्लू बोल कैसा है रे तू नहीं अच्छा है तू कैसा है बोल फिर हम लोगों से दूर क्यों है तू बोल बोल कैसा है तू मैं तो बिल्कुल अच्छा है तू कैसा है बोल साथ साथ जीने मरने की कसम खाई थी ना तो आना हमसे दूर क्यों है तू ए मेरा बनाया गुलेल मेरे को मारता है क्या है हम लोग तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आजा मेरे गुले गुलेल आजा आता है ऐसी प्रेम से बुलाएगा तो आएगा ना एक मिनट अरे कपड़ा तो पहनने से पहले आता है एक मिनट अरे आ रहा हूँ पहले कुल्ला तो करने दो यार है? अरे थोड़ा सबर तो करो यार तुम तो मेरे को इतना प्रेम करते हो ना कि मेरे को कभी कभी डर लगने लग गया यानी कि मैं ड्रीम देख रहा था यानी कि वो मेरे को यमलोक पे बुला रहा है यानी कि शंकर का अगला शिकार मैं नहीं मैं जामनगर भाग जाऊंगा वहां गुलेल का धंधा करूंगा अपनी रामकली के साथ जय राम जी की गुल्लू गुलेल वाला तमेरा मत वाला समझी ने हाँ मैं कब से बेटा मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था वो क्या है ना कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ जामनगर तुम भी मेरे साथ चलो तुमको टॉप की हीरोइन बनाऊंगा वहाँ पे मैं अरे ओ हम गांव वाले कोई नल की पानी की तरह नहीं होते जिसे जहाँ मर्जी हो ले जाओ हम तो नदी की तरह होते नदी की तरह जहाँ मर्जी हो वही बहते हैं समझे ना समझा ना अभी तुमको मैंने अपना नाम बताया गुलेल वाला मेरा दादा था ना वो बहुत बढ़िया गुलेल बनाता था लेकिन मैं है ना बहुत बढ़िया निशाना बनाता हूँ जो कभी चुकता नहीं अभी तुम मेरे साथ सीधे सीधे नहीं चलोगी ना तो मेरे को जबरदस्ती करना भी आता है समझी ना समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ चल मेरे साथ चल रही है ना ये मेरे को मालूम था तू यही नाटक करेगी इसके वास्ते सब इंतजाम से आया था मैं चल 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 स्टॉप आ गया स्टॉप एक बार और देख लेता हूँ यार बेहोशी में कितनी खूबसूरत लगती हो तुम्हें तुमको भूख लगी होगी ना ठेरो मैं तुम्हारे लिए उधर से कुछ लेके आता हूँ तुम इधर क्या देखता है यार है? इतना लोग नीचे उतरा तुम क्यों नहीं उतरता चलो भागो यहाँ से अरे देखना तुमको जामनगर ले जाके टॉप की हीरोइन बनाऊंगा मैं तुम मानते क्यों नहीं पीछे हटो
एक कंडक्टर, ए किधर हो तुम यार? कैसा कैसा लोग को बस में बिठा लेते हो? ए चल उधर, लूफर कहीं का, ऊंचा का लफंगा बदमाश कहीं का। अरे कमाल है यार, कैसे कैसे गुंडे लोग बस में बैठ जाते हैं यार। हाँ साहब, शरीफ इंसान को तो जीना मुश्किल हो गया। हाँ साहब, अभी इंसान को भूख लगे तो कुछ रखते हो कि नहीं? हाँ रखते ना साहब। क्या रखते हो? इडली ना साहब। अरे तो इडली दो ना। हाँ लो साहब। गरम है कि नहीं? हाँ गरम है। तो ठीक है, अभी पानी कौन देगा? हाँ ये लो ना साहब पानी। चलो ठीक है, पैसे उससे ले लेना। अच्छा साहब पैसे? ओ साहब पर्दे मेरे ने दो, पर्दा ना हटाओ। अरे हटा दे यार, बहुत हो गया अभी। रामकली ये देख, मैं तेरे खाने के वास्ते लाया गरम गरम इडली, अभी पर्दा हटाऊंगा और मुंह खोलूंगा। खोलू? मेरे को मारने से कोई फायदा तो नहीं है शंकर भाई, मैं तो वैसे ही शहर छोड़ के गांव जा रहा हूँ अपने। सांप के बिल बदल जाने से उसकी आदत नहीं बदलती, बेहतर है उसका सर कुचल दिया जाए। मेरे को मारना नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मारना नहीं। देख मेरे को मारना नहीं, देख मेरे को खून भी निकल गया, देख मेरे को मारना नहीं। मेरे साथ आने, देख देख देखो मेरे काय को मारता है। मैं तेरे को बोला ना मैं गांव जा रहा हूँ शहर छोड़। बहन, रामकली की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है, पर वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। जाओ बुढ़बक को पकड़ के लाओ और नाराज साले का। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। शंकर भैया, शंकर भैया, खिलावन सिंह और उसके गुंडे आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? शंकर तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। हाँ। नहीं बहन, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे सुनते नहीं क्या? दरवाजा खोलो। दरवाजे पर आने वाला दोस्त हो या दुश्मन, उसको अपनी औकात बतानी ही चाहिए। नहीं शंकर भैया नहीं, कभी कभी हालात से समझौता करना भी जरूरी है। आप मेरी बात मानो, आप रामकली को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। हाँ? चिंता मत करो हमारी, मान जाओ वक्त बहुत कम है। तुम जाओ, जल्दी करो शंकर भैया, जाओ तुम जाओ। बोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी। क्या है? क्या है? ए ए ए, हाथ मत लगाओ। मैं कहता हूँ छोड़ दो। अच्छा छोड़ दे, शंकर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। लेकिन तुम लोग कौन हो? हम शंकर के दुश्मन हैं। शंकर यही ना था, तुम ही लोग ना भगाए उसको। हाँ भगाया है, और वो भी इसलिए कि रामकली घायल थी, वरना शंकर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर देता। खटिया वाले की तो जानता नहीं ना है, आज तक हम कोई इलेक्शन नहीं हारा हूँ। शंकर की मौत तो होगी ही होगी, आज तुम्हारी मौत है, समझा? ए पकड़ो इसको। जी गैरेज पे छुपेगा।
हेलो, कौन बोल रहा है भाई? तेरी मौत। ए बुड़बक, हम मौतों से नहीं डरता हूँ, दुनिया में मौत हम बांटता हूँ, समझा? हाँ, यही बब्बर रमन खत्री और गुल्लू भी कहा करते थे। अरे तुम शंकरवा बोल रहे हो का? क्यों डर गए? अरे नहीं नहीं, हम दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर छे छे बॉडीगार्ड साथ क्यों रखता है? वो कहा है हिफाजत के लिए रखना पड़ता है, और वो है इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शंकर बिगाड़ता नहीं मिटाता है। लेकिन हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है शंकर भैया? तूने मुन्ना और उसके माँ बाप को मारकर मौत को दावत दी है, अब खिनौनी मौत मरने के लिए तैयार हो जा। खिलावंत, कल का सूरज तू नहीं देखेगा। अरे इतनी रात को किसका फोन आ गया? हेलो, एसीबी राठौड़ यार। हेलो राठौड़, तुम्हारा सुरक्षा वुरक्षा सब बहुत गड़बड़ है, जानते नहीं कितना टेंशनिया है, हमारा पसीना छूट गया है, यहाँ पर हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई है, समझा ना? हमारा हॉस्पिटलाइजेशन कराओ और गार्ड डबल कर दो। अरे मंत्री जी, हमारे गांव में कहते हैं जब पेट में दर्द हो तो सर के दर्द की दवा नहीं दिया करते हैं, आपको अस्पताल में भर्ती होना है तो डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ेगा, ये बॉडीगार्ड नहीं चलेंगे। क्या बुड़बक कहीं का बात करता है? अरे जब कोई गुंडा खतरे में होता है ना तो वो जेल पहुंच जाता है, और जब हम जैसे नेता को कोई खतरा होता है तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, समझा कि नहीं? टफर टफर कहीं का। ले भाई, मोटा तो बहुत गुस्से में। इंस्पेक्टर विक्रम, शंकर ने यो चैलेंज करा है कि वो खिलावन सिंह का खून कर देगा, चौकसी पूरी मुस्तैदी से करना, हर सिपाही को अलर्ट कर दो। यस सर। और कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना। ओके सर। घबराइए नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे हम तो पहले से ठीक हूँ, तबीयत तो खराब होने वाली ना है। होने वाली है? हाँ। ये आपको कैसे मालूम? अरे हमको सब ना पता है, आप कहा हमारा दिमाग चाट रहे हैं, भाई इनको लेके जाओ, हमको गोली खिलाएंगे। अजीब आदमी, जाइए यहाँ से, बुड़बक कहीं के डॉक्टर साहब, पहले जान के लाले पड़े हैं, हमको गोली खिलाएंगे। अरे ये बम का आवाज कहाँ से आया? हमारा बिल्डिंग में नहीं ना, कहाँ फटा है? सामने फटा है। कार्ड वार्ड सब कहाँ चले गए? बहुत टेंशन है, हम जाके देखता हूँ। शंकर तुम यहाँ कैसे? जिसकी मौत आ गई हो, यमराज को उसके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम हमको नहीं मार सकते हो, हम आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा हूँ। इलेक्शन की बात छोड़, आज मैं तेरी जिंदगी की जमानत जब्त कर दूंगा। अरे हमको छोड़ दे, हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नहीं शंकर, मैं मर जाऊंगा। हमको मत मारो शंकर, हम तुमको बहुत मार दूंगा, कसम से हम आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा हूं, हमको माफ कर दो, हमको मत मारो शंकर। सुनना है मुझे, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए,
खिलावन तुम लोगों की सुरक्षा में था और फिर भी शंकरों से मारकर चला गया। हाँ यो तो ठीक है कि खिलावन मारा गया, पर हमारी पुलिस फोर्स वहां शंकर की मदद के लिए नहीं भेजी गई थी, खिलावन की सुरक्षा के लिए भेजी गई थी। तो क्या तुम लोगों के हाथ से ज्यादा शंकर के पांव लंबे हो गए? एक कुत्ते को पकड़ने के लिए मैंने हजारों भेड़ी छोड़ दी और फिर भी वो आजाद है। जिसे आप कुत्ता समझ रहे हो शेर साबित होता जा रहा है। खामोश मिस्टर राठौड़ खामोश। दुश्मन की तारीफ हार की पहली पहचान होती है। विस्तर कटना पसंद कर सकता है मगर झुकना नहीं। इस शहर की पुलिस और गुंडे हमारे साथ है फिर भी वो बचा हुआ है। जाओ इस शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छाल मारो जाओ। ड्राइवर चलो। अरे गाड़ी किधर ले रहा है? लेफ्ट लेना था राइट ले लिया। सॉरी सर। पीछे ले पीछे। अभी क्या सोच रहा था? गांव से चिट्ठी आई होगी पैसे भेज दो। ये तुम छोटे लोग पेट के भूगोल से ही चिपके रहते हो सारी जिंदगी। अगर यही हाल रहा ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। अबे काम पे ध्यान दे। अबे तुझे स्पीड लिमिट नहीं मालूम क्या? सॉरी सर। तो फिर ये गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा था? सॉरी सर। सॉरी सॉरी बहुत सॉरी। ये तेरी आवाज को क्या हो गया? सर्दी होगी तुझे? जी सर। राम सिंह तेरी बाई जेब में मेरी सिगरेट होगी दे। शंकर गाड़ी रोक दे वरना गोली मार दूंगा। गोली मारेगा राठौड़ तो गाड़ी लेकर मैं खाई में उतर जाऊंगा और तू मौत की गोद में होगा। अबे मरना तो तू भी नहीं चाहेगा जब तक विस्तर नहीं मरेगा। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूं अगर विस्तर उसकी मंजिल है तो तू उसकी रुकावट है और मैं रुकावटों को छोड़कर पार नहीं करता उन्हें मिटाकर पार करता हूं। अरे विक्रम तुम अचानक यहां कैसे आ गए? सर जब पार्किंग लॉट में मैंने आपके ड्राइवर को बेहोश देखा तो उसी वक्त मुझे शक हो गया था। लेकिन सर ये बार बार आपको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? डू योर ड्यूटी। ज्यादा काबिल बनने की कोशिश मत करो। चलो। ओके सर। चांदी हमारे लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं मगर सब ऐसे नहीं है। मैं फर्ज निभाऊंगा चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मिनिस्टर दौरे पर आए हुए हैं मैं आज ही उनसे मिलता हूँ। विक्रम मैं भी साथ चलूंगी। जरूर तुम्हें तो अब मेरा हर कदम पर साथ देना पड़ेगा। चलो। ओ तो ये बात है। शंकर के हाथ से फिल्म लेकर विजय राठौड़ ने जला दी। और यही नहीं सर मेरे घर में ड्रग्स रखवाकर उसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की है। हाँ सर और इसके घर में ड्रग्स भी। दीन सिंह ने रखी थी क्यों? यही ना? यस सर। मैं सब जानता हूं। दीन सिंह रमन खत्री विजय राठौड़ ये सब विजधर के आदमी हैं और उसके धंधे भी मैं जानता हूं। सर और फिर भी आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस पर हम यकीन तो करते हैं मगर आंख बंद करके नहीं इंटेलिजेंस के जरिए। विजधर उससे जुड़े तमाम लोगों की फाइल आज ही मुझे मिली है। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि विजधर को अरेस्ट करने का मौका मुझे दिया जाए। क्यों एक स्टार और बढ़ाना है? नहीं सर पर्दी पर लगे दाग को धोना है। गुड वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू। आज शाम 4 बजे
तुम्हारे घर पर तुम्हें विषधर की गिरफ्तारी का वारंट मिल जाएगा। और रहा विजय राठौड़, उसे तो मैं देख लूंगा। सर आप, आपको आने की क्या जरूरत थी सर? मुझे बुलवा लिया होता। तोहफा देने के लिए बुलवाया नहीं जाता, बल्कि खुद आना पड़ता है। सर नाचीज को आप इस लायक समझते हैं? देखोगे तो खुद बखुद समझ जाओगे कि मैं तुम्हें किस लायक समझता हूं। लो। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया? हाँ, ना करता तो न जाने तुमने और कितने शंकर पैदा कर दिए होते। सर मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, आप जाति कर रहे हैं सर। सर मेरा कसूर क्या है? एक कानून के मुहाफिज होकर जुर्म के गुलाम हो गए और पूछते हो कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हारे और विजेंद्र के खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। लेकिन सर ये दुश्मनों की चाल भी तो हो सकती है। शट अप, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, दुश्मन तो तुम हो गए हो कानून के। ये वर्दी, ये कुर्सी, ये थर्ड बार्ट, ये लाल बत्ती वाली गाड़ी इसलिए नहीं दी गई थी तुम्हें। लेकिन सर ये सब मुझे तोहफे में नहीं मिला है, मैं डिजर्व करता था। आईपीएस एग्जाम पास किया है मैंने। लेकिन तुम अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गए। एक लड़की ने विजेंद्र के खिलाफ फिल्म पर चंद सबूत इकट्ठे किए थे, उसने शंकर को फिल्म दी, शंकर ने तुम्हें दी और तुमने जला दी। ये वर्दी पहनकर विजेंद्र जैसे देशद्रोही का साथ दिया है तुमने, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। विक्रम तुम तैयार हो गए? क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? विक्रम देखो 4:10 हो गए हैं, वारंट लेकर सिपाही नहीं आया। मैं देखती हूँ। विक्रम तो मेरे अरेस्ट वारंट का इंतजार कर रहा था ना, आज विजधर तेरा डेथ वारंट लेकर आया है। विजधर! Thank you.
क्या लगता है विश्वर? वो आएगा, जरूर आएगा, लेकिन बचकर वापस नहीं जाएगा। अच्छा हुआ तू यहां चला आया। विजदर तेरे जैसे दुश्मन को अपनी फूंक से मारता है और फुंकार से जला देता है। आज मैं तेरे डसने और फुंकारने वाले फन पे मौत की कील ठोक दूंगा। विजदर कील तो मैं ठोकूंगा। माली ऐसा है, चल भैया।
तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। शंकर मैकेनिक, तुमको गिरफ्तार किया जाता है। गिरनी जैसे उछल रही है मेरी मस्त जवानी, अगन लगी है नस नस में, नया बरसा दे पानी। धीरे धीरे कर गई जादू मुझ पे तेरी नजरिया, करे दीवाना मुझको तेरी ये बाली उमरिया। अब तो मचल रहा है मनवा डोला ईमान गोरी, दे दे तेरा पान छोरी, दे दे तेरा पान। राजा खा ले मेरा पान, खेला खा ले मेरा पान गोरी, दे दे तेरा पान छोरी, दे दे तेरा पान।